नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा भी स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसा आप एक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, और बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर्स है, तो आपके लिए कॉल चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक छोटा सा गलती आपको लंबा लॉस भी दिला सकता है और एक सही एंट्री आपको लंबा प्रॉफिट भी दिला सकता है। तो इस वीडियो में मैं आज को 18 तारीख का चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ निफ्टी का एक्सपायरी डे का। तो आज को देखिए एक्सपायरी डेट में निफ्टी कैसा मूवमेंट किया और हम लोग ट्रेड कहां पर किए और कब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंस। ट्रेडिंग इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी है तो ही आपको ट्रेड करना है, विदाउट अपॉर्चुनिटी आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो देखिए जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। आज को मार्केट यहां पर शुरुआत हुआ है, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। चलिए देखते हैं सुबह से कैसा मूवमेंट कर रहा है। फर्स्ट देखिए कैंडल का जो कलर है थोड़ा रेड है, मतलब अगले दिन का सेलिंग का कॉल ये कंटिन्यू हो रहा है। अब जब भी मुझे ट्रेड करना है मुझे कुछ कुछ चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है मार्केट ओपन कहां पर हुआ है। देखिए मार्केट में ब्रेकडाउन जोन बोल के एक जोन होता है जो सेलिंग का लेवल है, तो आज को मार्केट ब्रेकडाउन जोन का नीचे ओपन हुआ है। तो मैं बहुत सारा वीडियो में ये चीज बताया हूं, जो अगर मार्केट किसी दिन ब्रेकडाउन जोन का नीचे ओपन होता है तो उस दिन मार्केट में ऊपर का तरफ जाने का एक स्पेस ज्यादा होता है क्योंकि ब्रेकआउट होता है आपका अपर लेवल, ब्रेकडाउन होता है लोअर लेवल। अब ब्रेकडाउन का नीचे भी अगर गिरता है तो यहां पर रेड डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगा और एक है ग्रीन डॉटेड लाइन। ग्रीन डॉटेड लाइन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस और रेड डॉटेड लाइन कॉल्ड सपोर्ट। तो आज को मार्केट ब्रेकडाउन का नीचे ओपन हुआ है तो पहले ही मेरा दिमाग में एक स्ट्राइक कर रहा है जो मार्केट ऊपर का तरफ शायद मूवमेंट करेगा, एक ट्रिक्स है। बट ये अगर नीचे गिरेगा भी तो रेड डॉटेड लाइन तक जाएगा, बट रेड डॉटेड लाइन भी ज्यादा नीचे नहीं है तो रेड डॉटेड लाइन को टच करने का मतलब ही है ये आपको अलर्ट कर रहा है जो यहां से आपको थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो सकता है। अल्टीमेटली देखिए धीरे धीरे मार्केट रिवर्स होने लगा और बाइंग का तरफ मार्केट मूवमेंट करना शुरू कर दिया और यहां पर एक बाइंग का कॉल भी मिल चुका। अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये बाय का कॉल में मैं ट्रेड करूंगा। हड़बड़ी नहीं करना है, भले आपको पता है जो मार्केट ऊपर का तरफ मूवमेंट कर सकता है बट विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड मार्केट। ये जो बाय का कॉल है यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे करीबन अभी भी रेड है, इसका मतलब है सेलर्स का जो परसेंटेज है ये मार्केट में अभी भी ज्यादा है, ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। बाय का कॉल का पहले कोई ग्रीन स्टार बना नहीं है और ना ही नीचे का ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है वो ग्रीन तो हुआ है बट व्हाइट का ऊपर भी नहीं गया। तो ये दो तीन कंडीशन अगर मैच होगा तभी जाकर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, अदर इज नॉट। तो देखिए दो तीन कैंडल ऊपर लेके तो गया बट तुरंत मार्केट नीचे का तरफ भी आ गया। तो यहां पर अगर हम लोग हड़बड़ी में ट्रेड कर लेते तो यहां पर लॉस भी खा सकते थे। तो देखिए लगभग 1 घंटा होने चला अभी भी कोई पोजीशन में हम लोग ट्रेड नहीं बना रहे। नीचे का रिबाउंड देखते देखते ग्रीन हो गया, इसका मतलब परसेंटेज वाइज मार्केट में बायर्स ज्यादा आ चुका है। नीचे का जो ब्रिक्स है वो भी व्हाइट लाइन का ऊपर चला गया, तो व्हाइट लाइन के ऊपर अगर ब्रिक्स चला जाता है तो ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट शायद ऊपर की तरफ जाएगा। बट जब तक कोई स्टार नहीं बनता है तब तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आएगा। याद रखिएगा यहां पर तीन कंफर्मेशन होता है, एक है नीचे का रिबाउंड का कलर जो बोलता है मार्केट में बायर से सेलर कौन ज्यादा है, नीचे का जो ब्रिक्स है ये आपको सेंटिमेंट का साथ काम करता है और स्टार जो है वो ब्रेकआउट पकड़ता है। ये तीनों पैरामीटर एक साथ मैच होने से ट्रेड करेंगे, अदर इज नॉट। तो अल्टीमेट देखिए ये जो बाय का कॉल काफी देर तक यहां पर मार्केट में फंसा के रखा, यहां पर विदाउट स्टार आप ट्रेड नहीं किए तो अल्टीमेट मार्केट यहां पर गिर गया। देखिए 11:15, 2 घंटा हो गया, यहां पर दोबारा सेलिंग का कॉल बना है बट सेलिंग का कॉल में मुझे वही चीज याद रखना है, ये सेल का कॉल ज्यादा नीचे गिरेगा नहीं क्योंकि नीचे का तरफ स्पेस नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कंडीशन का साथ आप एंट्री लेना तो आप एंट्री ले ही सकते हैं बट आपको हमेशा एग्जिट का तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एग्जिट के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीचे का ब्रिक्स इंडिकेटर, ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है अगर वो व्हाइट का ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर देता है तो समझ जाना है जो और आप यहां पर वेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या, अगर आप यहां पर सेल करते भी हैं तो भी चलेगा बट सॉफ्टवेयर का अनुसार आपको निकल भी जाना है। तो देखिए सुबह से लेके लगभग
एक बचने चला। अभी तक यहां पर मुझे कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बना है जहां पर मैं ट्रेड कर सकूं। बट हर एक इंडिकेटर का रूल को आपको समझना है। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर अभी तक नीचे था, अभी ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब सेंटीमेंट वाइज बाइंग का तरफ आप घुस गए हैं। नीचे का रिबॉन भी ग्रीन हो गया, मतलब परसेंटेज वाइज मार्केट में बायर्स भी ज्यादा हो गया है। बट यहां पर बाय का कॉल भी देखिए बन गया है। अब यहां पर जस्ट एक चीज का इंतजार है, वो है स्टार। तो अगर स्टार बन जाता है तो मैं यहां पर ट्रेड कर लूंगा, बट स्टार अगर नहीं बनता है तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। बट देखिए यहां पर आज को एक्सपायरी डे में सडनली एक कैंडल कैसा मूवमेंट किया। इतना दूर तक तो साइडवेज चल रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एक कैंडल पे देखिए, ये कैंडल का ओपनिंग था 14 to 15 रुपीज से लेके ये 300 का हाई मार दिया था। तो यहां पर तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये इस तरीका का जो कैंडल बनता है मार्केट में, जनरली ऐसा बहुत रेयर केस में देखा जाता है जो एक ही कैंडल पे ऐसा झटके में मूवमेंट होता है। आज को एक्सपायरी है, बट एक्सपायरी में भी ऐसा मूवमेंट हम लोग बहुत ही रेयर ही देखते हैं जो आज को हुआ है। तो यहां पर हम लोग को ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक कैंडल में एक झटका से मिलेगा, मार्केट मूवमेंट कर दिया। अगर ये स्टार मुझे मिल जाता एक दो कैंडल पहले तो मैं यहां पर ट्रेड कर लेता और मैं यहां पर ये बेनिफिट को उठा सकता था। बट प्रैक्टिकली अगर रियल लाइफ में हम लोग काम करेंगे, इसको आप कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। तो दैट इज द कंसेप्ट। मतलब इतना मूवमेंट फर्स्ट हुआ एक ही कैंडल पे, आपका हाथ से प्रॉफिट निकल गया। तो यहां पर देखिए, देखते देखते मार्केट तुरंत ऊपर नीचे करने लगा, सेल का कॉल बन गया। बट सेल का कॉल में ट्रेड नहीं होगा क्योंकि ब्रिक्स भी आपका व्हाइट का ऊपर है और नीचे का जो रिबॉन है वो भी अभी तक ग्रीन ही है। अभी देखिए यहां पर अगर मैं वेट करूंगा दोबारा, ये जो बाय का कॉल बना, अब इस बाय का कॉल का ऊपर फोकस होगा। देखिए एकदम अंत में 2:45 PM को नीचे का रिबॉन ग्रीन ही है। इसका मतलब क्या है? बायर्स ऑलरेडी लगभग 12:40 से आपको पता है मार्केट में बायर परसेंट से ज्यादा है। अब ये जो बाय का कॉल है, इस बाय का कॉल में स्टार नहीं बनेगा। इसका स्टार ऑलरेडी इस कैंडल पे आपको मिल चुका है जहां पर हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है जो नीचे आया था वो अभी दोबारा व्हाइट के ऊपर जा रहा है। तो अगर कोई चाहता है तो 2:45 का कैंडल पे एंट्री लेके यहां पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। 3:15 तक भी अगर आप वेट करते हैं तो 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहां पर मिल गया। देखिए हाई मारा था 2:25 का, कॉल मिल रहा है आपको 150 में, मतलब उस हिसाब से 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहां पर भी बना सकते हैं। तो ये तो था आज का निफ्टी का एक्सपायरी डे का परफॉर्मेंस। अभी चार्ट को आप फुल्ली ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा इंडिकेटर का क्या रोल प्ले कर रहा है। सिग्नल आपको एंट्री लेने के लिए बता रहा है, बट ये सिग्नल को कंफर्म कर रहा है कौन? नीचे का रिबॉन एंड ब्रिक्स। स्टार ब्रेकआउट का ऊपर चलता है, स्टार पहले से चलने से ही चलेगा। तो मैं ये बाय का कॉल में आराम से प्रॉफिट बना सकता हूँ। ये सेल का कॉल गलत है। ये जो बाय का कॉल है यहां पर मेरा प्रॉफिट अगर बन जाता, अगर स्टार मुझे थोड़ा मिल जाता। देखिए स्टार इतना दूर तक नहीं दिया क्योंकि इतना दूर तक मार्केट में वो स्ट्रेंथ ही नहीं था। सडनली एक कैंडल पे ऐसा कुछ मार्केट में न्यूज आया जिसमें ऐसा हलचल हुआ, बट इसको हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। और सुबह सुबह से देखा जाए तो ये बाय का कॉल भी सही नहीं था, काफी देर तक साइडवेज रहा। तो बोलने का मतलब है मार्केट में भले आप प्रॉफिट नहीं कर रहे, लॉस भी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप लॉजिक के ऊपर बेस करके वेट करेंगे, ट्रेडिंग का मतलब भी होता है आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं आ रहा है आप ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए एक बार एक ही कैंडल पे अपॉर्चुनिटी बना था 1:25 पे, बट इसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है जो आप एक ही कैंडल पे ऐसा झटका आपको देने वाला है। हाँ, नीचे का रिबॉन ब्रिक्स ये आपको एक अलर्ट कर देगा। अगर स्टार मेरा पहले थोड़ा बन जाता तो मैं यहां पर एक प्रॉफिट बना सकता था, बट ये जो सिचुएशन है यहां पर एक आराम से प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर्स है, तो कोई सही रूल को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए, पेशेंट रखिए, सही वक्त के लिए वेट कीजिए, प्रॉफिट जरूर मिलेगा। दिन में मार्केट एक ना एक बार मौका जरूर देता है पैसा बनाने का, आपको उस सिचुएशन के लिए वेट करना है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज है दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएसबी के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है। बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये हर एक मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। आप इसमें फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी सब में काम कर सकते हैं। थैंक यू।